नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे जेएससी बोर्ड झारखंड बोर्ड का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जो है कैसे आप चेक कर सकते हैं आसानी से। हम आपको पूरे प्रोसेस को गाइड करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर आप देखिए। अभी तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप लोगों का चाहता चैनल इजी केस पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हम बता दें जेएससी बोर्ड 2023 का रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे। पहले तो आपको हम बता दें कि झारखंड राज्य का सभी स्टूडेंट बेखबरी से इंतज़ार कर रहे हैं जो जेएससी बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं। आपको हम बता दें छात्र छात्राएं रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप आपको हम गाइड कर देते हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड राज्य के सभी स्टूडेंट जेएससी बोर्ड के सभी स्टूडेंट आसानी से चेक कर सकते हैं मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट। इसके लिए आपको jscresults.com ऐसा लिख के सर्च कर लेना पड़ेगा। तो चलिए क्रोम में आपको हम दिखाते हैं कैसे आप चेक करेंगे। वेबसाइट आप अच्छे से देख लीजिए, jscresults.com ऐसा लिख के जब आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह का झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और जो भी नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2023। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2023 यानी कि 2023 के अंदर जो भी रिजल्ट निकलेंगे इसके नीचे आपको दिखाई देंगे। आपको हम बता दें यदि आप जेएससी बोर्ड से आपने मैट्रिक या इंटर किया है और आप जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो एंड तक जरूर समझ लीजिए सारे बातों को। आपको हम बता दें रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे आपको जो अभी न्यू करके देख पा रहे हैं जो कि जो भी रिजल्ट निकलेगा कुछ इसी तरह से 2023 में जितने भी रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे आपको जेएससी का देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं NMMS एग्जामिनेशन का कोई रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है जो कि पब्लिक ये कर दिया गया है 9/5/2023 को पब्लिश कर दिया गया है। तो कहने का मतलब जब भी इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। चेक कैसे करना है जरा वो भी सीख लीजिए। उसके बाद नीचे की ओर मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, जैसे 2021-22 का रिजल्ट हुआ था तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन आया था। तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपको रोल नंबर, रोल कोड और रोल नंबर डालने का ऑप्शन है। डाल के सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट शो कर जाएगा। हम आपको बता दें रोल कोड और रोल नंबर आपको डालने की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरह का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 2023 के नीचे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2023 के नीचे अगर जैसे ही ये रिजल्ट निकलेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।